प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय हो। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक आपको सॉल्व करके भेज दिए हैं। आज उससे आगे का सवाल समझाने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो निश्चित बात है ये सब भी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों का उत्साह देखते हुए मेरे मन में भी उत्साह का संचार हुआ है। आप लोग अगर इसी ढंग से लाइक और शेयर करते रहेंगे, कमेंट्स भेजते रहेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास जीवित रहेगा। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं जब तब हम रेगुलर क्लास बना करके आपको प्रतिदिन बना के भेज दिया करेंगे। आप मन लगा करके खाली रोज पढ़ा कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक जिस ढंग से आप शेयर करते रहे हैं, शेयर करते रहिए। नंबर ऑफ व्यूज देखने के बाद उत्साह बना रहता है। जहाँ अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हमारा मेहनत सार्थक हो रहा है। तो अभी हम पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये सब कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। टेन इन वर्स ये दे रहा है एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। आज जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो प्लेलिस्ट खोल करके इसका पहला जो चैप्टर हमने समझाया है उस वहाँ से आप देखेंगे तो आपको चेन मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में चेन बना होता है। आप फर्स्ट पीरियड से ही देखना शुरू करेंगे तो हर एक बात समझ में आएगी। बीच से तो समझना वही समझ सकेंगे जो पहले से इस चैप्टर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसमें देखो एक्स का वैल्यू क्या पुट करें, तो ये 1 माइनस टाइप का है। लेट एक्स इज इक्वल, अब ए साइन थीटा मान के देखो देयरफॉर। यहाँ देखिए जो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स बाई ए देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा कितना हो जा रहा है, तो साइन इधर चला गया। इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं साइन इन वर्स एक्स बाई ए। तो ना अब यहाँ पर आ जाए हम लोग सवाल, तो हमको चेंज करना है किसको, तो टेन इन वर्स दिया एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू टेन इन वर्स। तो एक्स क्या मानिए, तो ए साइन थीटा सपोर्ट कर दो ए साइन थीटा, और यहाँ क्या हो गया जो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर घेर को दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया टेन इन वर्स। ऊपर में तो रह गया ए साइन थीटा, और नीचे में देखो ए स्क्वायर जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच रहा है, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। यहाँ से आ गए दैट इज इक्वल टू सी हो गया टेन इन वर्स, तो ये है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल टू टेन इन वर्स। तो यहाँ हो गया ऊपर में ए साइन थीटा, और नीचे में बच गया ए कॉस थीटा, से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा से हो गया टेन थीटा, से टेन इन वर्स टेन
थीटा, हम फार्मूला दिए जो टेन इनवर्स टेन थीटा थी हो गया थीटा, और थीटा है कितना तो थीटा आ गया है साइन इनवर्स एक्स बाई बस आंसर हो गया सबसे सिंपल। दूसरा देखें क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड क्वेश्चन हमको दे रहा है ईवी का रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चेंज कीजिए, दिया टेन इनवर्स यहाँ लिखा थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब आ डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। इसमें जो फार्मूला यूज होगा ये देखो फार्मूला लिखे हैं कि क्योंकि थ्री टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो हम लोग इसका थ्री टेन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला दिए कि टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब आ डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म आया इसी फॉर्म में हम इसको अगर चेंज कर दें तो एक्स के जगह पर जो रहेगा लिख देना, ये सबसे सिंपल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू तो यहाँ लिख दो टेन इनवर्स, इसमें क्या करो एक क्यूब कॉमन ले लो तब ना यहाँ वन लाना है, तो एक क्यूब ऊपर से भी ले लेंगे अगर तो ये बच गया थ्री इंटू एक्स बाई ए, इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पावर कम कर देगा हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ एक्स क्यूब है ए क्यूब तो है नहीं तो एक्स क्यूब बाय ए क्यूब, और नीचे से भी ए क्यूब कॉमन ले लें तो ये हो गया वन माइनस थ्री, तो एगो ये तो रहना रखना है तो एक्स स्क्वायर आ बाय ए स्क्वायर कर दो तो एगो ये बच जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक क्यूब से ई एक क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना तो टेन इनवर्स, तो ये हो गया थ्री इंटू एक्स बाय ए माइनस यहाँ लिख दें जो एक्स बाय ए का होल क्यूब हो गया एक्स क्यूब बाय ए क्यूब आई डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री इंटू एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। अब देखें कि जहाँ जहाँ इस फार्मूला में एक्स है वहाँ वहाँ एक्स बाय ए है, तब तो एक्स के जगह पर खाली एक्स बाय ए लिख दो हो गया थ्री टेन इनवर्स यहाँ लिखती है एक्स बाय ए। अब हमसे अगला सवाल में पूछ रहा है कि इन सबों का आप वैल्यू बतलाइए कि कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एनसीईआरटी का बुक है इसका क्वेश्चन नंबर 2.2 हम समझाने जा रहे हैं, आप लोग के पास अगर बुक है तब तो ठीक है, नहीं है तो इसी से क्वेश्चन उतार लिया करो और घर में अभ्यास करो, हम टोटल सीरियल से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू चाहिए टेन इनवर्स, यहाँ दिया टू कॉस ऑफ एंगल टू, यहाँ लिख दिया है साइन इनवर्स, यहाँ लिख दिया वन बाय टू। अब हमसे इसका ये वैल्यू जानना चाह रहा है कि कितना होगा,
अब इसमें क्या करो, जो साइन में कई डिग्री का वैल्यू 1/2 तो 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख लो टेन इनवर्स 2, यहाँ लिख दिए कॉस ऑफ एंगल 2 साइन इनवर्स, तो ये अच्छा ब्रैकेट दे दो ना। आई 1/2 के लिए लिख दो जो साइन ऑफ एंगल, तो 30 डिग्री, तो 30 कैसे लिखेंगे, तो पाई बाय 6 रेडियन में देना चाहिए, तो ये हो गया 10 इनवर्स 2 कॉस ऑफ एंगल 2 और साइन इनवर्स साइन थीटा तो हो गया थीटा, तो ये आया पाई बाय 6। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखते हैं जब यह थीटा का जो वैल्यू है साइन इनवर्स के रेंज में हो, और साइन इनवर्स का रेंज दिए हैं क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2, मतलब 90 प्लस में 90 30 है इसके बीच में है, इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा तो डायरेक्ट हम लोग थीटा लिख दिए। अगर इस रेंज में नहीं आए तो π-π+2π-2π+ का फार्मूला लगा करके पहले रेंज में लाएंगे तब ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ देखें कि ये हो गया 10 इनवर्स 2, आप यहाँ हो गया cos ऑफ एंगल, तो 2 से ही कैंसिल हो गया 3 कैंसिल, तो ये हो गया π/3 की हो गया 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/2, तो ये हो गया 10 इनवर्स 2 इंटू, तो कॉस 60 का वैल्यू दे दिए तो आया 1/2, E2 से E2 भी कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, तो 10 इनवर्स ही हो गया 1, और 10 में कई डिग्री का वैल्यू 1, तो 45 डिग्री, तो ये हो गया 10 इनवर्स, रेडियन में लिखेंगे तो 10 ऑफ एंगल π/4, तो फिर 10 इनवर्स का रेंज यही रहता है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, आई देख रहे π/4 है कि इसके बीच में इसलिए रेंज में है, तो सीधे लिख दो π/4। इन त्रिकोणोमेट्री का जो फार्मूला है इसके बगैर ना ये समझ में आएगा ना कैलकुलस हम समझाएंगे तब भी आपको समझ में आएगा। अतः आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो भी छात्र 11 में गणित अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा सब्सक्राइब करोगे तब टोटल वीडियो आ जाएगा आपके पास, तो उससे क्या होगा जो आप अपना त्रिगोनोमेट्री का जो 11 के लिए हम समझा के भेजे हुए हैं पहले से उसका क्लास कर लेना, तब कैलकुलस भी समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर तो खैर आने आना है, ताकि उसी फार्मूला को यहाँ उल्टा करके लिखें। दूसरा देखें, चौथा क्वेश्चन देखो, ये क्या दे रहा है कि कॉट ऑफ एंगल सबका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 10 इनवर्स a और प्लस कॉट इनवर्स a, तो हम लोग पढ़े हैं कि 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू द π/2, तो हो गया कॉट ऑफ एंगल π/2। अब यहाँ से देखें तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन, या तो ये हो गया कॉस π/2 और डिवाइडेड बाय साइन π/2, तो कॉस π/2 जीरो, ये हो गया 1, तो आ गया आंसर डायरेक्ट भी कॉट π/2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सब में वैल्यू मांग रहा है, तो देखो पांचवा सवाल समझ में आ जाए इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लिखे थे कि b knows k n o w, हिंदी हो गया हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि वो फार्मूला दिए थे 2 साइन इन
टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू दिए थे जो साइन इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में देंगे तो कॉस इनवर्स में क्या फार्मूला लिखे हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। आ कहे इसी को अगर टेन में चेंज करेंगे तब फार्मूला आता है टेन इनवर्स टू एक्स आ डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस दोनों में खाली इतने हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन देखने में कंफ्यूजन से बचना। तो हमसे जो ये क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू जिसका डिमांड किया वह है तन्ना, तो दे आर फोर। तो ये वैल्यू पूछ रहा है जो टेन ऑफ एंगल वन बाय टू, यहाँ लिख दिया जो साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स तो वन माइनस बाय स्क्वायर बाय वन प्लस बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस बाय स्क्वायर। तो इस फार्मूला में देख रहे हैं कि एक्स के जगह पर यहाँ खाली वाई लिखा हुआ है, तो जहाँ एक्स है यहाँ वाई दे दो बस हो गया। तो ये हो गया टेन ऑफ एंगल वन बाय टू, तो देखें साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू है, तो टू टेन इनवर्स एक्स ये भी किसका फार्मूला है, तो टू टेन इनवर्स एक्स के जगह पर कितना है तो वाई यहाँ लिख दो वाई। अब ई टू जब हम कॉमन लेंगे तो इस वन बाई टू से तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो क्या बच जाएगा तो टेन ऑफ एंगल, तो ये बच जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई। अब इसमें फार्मूला लगा लो तो ये हो गया टेन ऑफ एंगल तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसका फार्मूला क्या आया तो टेन इनवर्स दिए एक्स प्लस वाई आ डिवाइडेड बाई तो वन माइनस एक्स इन टू वाई। तो अब फिर टेन और टेन का इनवर्स कहे एक साथ रहे तो जो थीटा के जगह पर रहे इतने वैल्यू हो जाएगा, तो ये बच गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इन टू वाई। छठा क्वेश्चन देखो, ये भी वैल्यू मांग रहा है इफ लिख रहा है साइन ऑफ एंगल साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू वन। तब कहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहा अगर इसका वैल्यू वन आता है तब एक्स का वैल्यू क्या है आप हमको पता करके बतलाइए। सॉल्यूशन पहले तो यहाँ सवाल उतारो कि हेयर हमको क्या दिया है, ये साइन ऑफ एंगल यहाँ दिया साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल वन, इतना रख ले तो साइन को इधर कर दो, देयर फोर
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये साइन इधर आ गया तो हो गया साइन इनवर्स, यहाँ हो गया तो। अब साइन में कई डिग्री का वैल्यू वन तो 90 डिग्री का तो लिख लो कि दैट इम्प्लाइड साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ आ ई वन के लिए लिख दें जो साइन ऑफ एंगल 5/2 तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना तो वन, तब तो ये हो गया दैट इम्प्लाइज, तो वन के जगह पर मैं ये लिख लो तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आ साइन इनवर्स साइन थीटा तो साइन इनवर्स का रेंज कहबे की है क्लोज इंटरवल में 5/2 तक ही है तो लास्ट पॉइंट तो मिला हुआ है ही तो 5/2 लिख दो। अब इसको जरा सा इधर कर दो तो दैट इम्प्लाइज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, तो कॉस को इधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हो गया कॉस ऑफ एंगल 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 आई फार्मूला पर है जो कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, तो दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन आ थीटा के जगह पर क्या है तो साइन इनवर्स 1/5, तो फिर हो गया साइन आ साइन का इनवर्स एक जगह पर थीटा के इक्वल हो गया एक्स इज इक्वल टू 1/5 मिलियन, दूसरा क्वेश्चन देखें सातवां क्या है, इसमें भी हमसे एक्स का ही वैल्यू डिमांड किया है, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5/4 then find the value of x, find the value of x, तब x का मान क्या है, तो ये सॉल्यूशन करो लिखे जो टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू 5/2, तो हम लोग फार्मूला पर है जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो कैसे लिखें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो अब इसी फार्मूला पर इसको एक्स समझो, इसको वाई, आ इसमें बैठा दे, तो दैट इम्प्लाइज तो ये हो गया टेन इन वर्स लाइन घीच दो, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्या है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, प्लस वाई के जगह पर क्या है, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू, आ नीचे तो वन माइनस एक्स इंटू वाई, तब तो एक्स है एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस। अब देखें जो ऊपर एलसीएम आएगा नीचे भी सेम टू सेम एलसीएम आ रहा है, तो कैंसिल कर दो, दैट इम्प्लाइड तो ये हो गया टेन इनवर्स। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अब होल डिवाइडेड बाय एलसीएम को कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस प्लस। अब यहाँ से देखो दैट इज इक्वल टू यहाँ लिख दिए फाइव बाय, अब यहाँ से टेन को उधर कर देंगे हो तो ये हो जाएगा टेन ऑफ एंगल फाइव बाय, सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू आ होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर आ माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर आ माइनस वन का स्क्वायर आ इधर हो गया टेन ऑफ एंगल फाइव बाय। अब टेन पाई बाई फोर मतलब टेन 45 डिग्री का वैल्यू तो वन, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू एक्स प्लस ई टू एक्स माइनस ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस ये हो गया टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू माइनस टू तो हो गया माइनस फोर और यहाँ ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर घट जा रहा है तो ये हो गया माइनस फोर आई प्लस वन। माइनस फोर आई प्लस वन आ टेन 45 डिग्री तो वन तो दैट इम्प्लाइज तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय माइनस थ्री इज इक्वल वन तो दैट इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री तो माइनस फोर अगर इधर चला जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू की हो गया फोर माइनस थ्री तो दैट इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो एक्स स्क्वायर की हो गया वन बाय टू तो दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू तो लिख दो प्लस माइनस वन बाय रूट।
वीडियो बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए फिर अगला क्वेश्चन जो है एक क्लास और लेंगे तो इसका टोटल क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा, एक पीरियड और आपको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बस जिस उत्साह के साथ पिछला वीडियो देखा है उसी उत्साह के साथ इसको देखें और इसको शेयर करें। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट्स करके भेजना, जितना क्या परेशानी है हम उस पर भी विचार करके आपको सूचना दे देंगे। जय गुरु।